चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आईआईटी जेईई मेन सेकेंड सितंबर का फर्स्ट शिफ्ट, नहीं यहाँ पर फर्स्ट लिखा हुआ है, सेकेंड शिफ्ट का जो अपने पास क्वेश्चन है वो, ठीक है। चलिए फिर एक एक करके स्टार्ट करते हैं। वीडियो को ध्यान से देखोगे तो तुम्हें जो भी जेईई में क्वेश्चन आए हैं वो अच्छे से समझ में भी आ जाएंगे, और अगर तुम प्रिपरेशन कर रहे हो जेईई के लिए तो तुम्हें देखना चाहिए कि कैसे एनटीए अभी इस तरीके के क्वेश्चन देने लगा है, और बहुत सारे रट्टाफिकेशन वाले भी क्वेश्चन आते हैं। इस पेपर की बात करें तो ये पेपर इजी लेवल का था, मतलब अच्छा था, जैसा जेईई के लिए होना चाहिए। लेकिन जो फर्स्ट शिफ्ट का था वो थोड़ा ज्यादा ही आसान था, और जो थर्ड सितंबर का एग्जाम हुआ है, खास करके थर्ड सितंबर फर्स्ट शिफ्ट, वो बहुत टफ पेपर था। जो आप आज लोग देकर आए होंगे फर्स्ट शिफ्ट में, उनको बहुत टफ पेपर देखने को मिला होगा, ठीक है। चलो फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर वन। क्वेश्चन नंबर वन हमारे पास क्वेश्चन क्या है देख लो, हमसे बोला है इफ गिवन कंपाउंड हैविंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C9H10O reacts with HI, C9H10O reacts with HI produces two compounds A and B। हमसे बोल रहा है कि ये कंपाउंड HI से रिएक्शन करके दो प्रोडक्ट बनाता है, ठीक है, HI की रिएक्शन कॉमन है। A will give precipitate with AgNO3, पक्का उसके पास CLBr I ऐसे करके कुछ होगा, वो AgI AgBr AgCl का precipitate दे जाएगा। And B show positive iodoform test, अच्छा मतलब एच आई से रिएक्शन कराते हैं तो दो कंपाउंड बनता है, एक आइडोफॉर्म टेस्ट देता है और एक ए जी बी आर या फिर ए जी आई बना देता है। अब बोला क्या है, बी सो पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट आफ्टर टॉटोमेरिज्म, अच्छा टॉटोमेरिज्म कराने के बाद आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड। तो फिर ऐसे क्वेश्चन में क्या करें, ऐसे क्वेश्चन में हमारे पास ऑप्शन होते हैं, मान लो कि वो कंपाउंड का स्ट्रक्चर फर्स्ट ऑप्शन है तो हम बोलेंगे चल भाई अब एच आई से रिएक्शन कराओ, बेंजीन रिंग है CH2O, CH डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन लोन पेयर दे देगा H प्लस को, O पे प्लस आ जाएगा, ये कार्बोकेटायन रेजोनेंस स्टेबलाइज है तो ये SN1 के थ्रू रिएक्शन प्रोसीड होगी, ये अपने आप निकल जाएगा, बनेगा बेंजाइल कार्बोकेटायन और वहां पे बाद में आयोडीन आके लग जाएगा SN1 मैकेनिज्म से, और दूसरी तरफ हमें मिल जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CHOH, ये वाला मिल जाएगा एल्कोहल। अब अगर इसका टॉटोमेरिज्म तुम दिखाओ, हे भगवान इसका टॉटोमेरिज्म कौन नहीं जानता होगा, क्या करते हैं H प्लस निकाल करके OP माइनस चार्ज लेकर आते हैं और पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस करा देते हैं, इनॉल है, तो ये हो जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O और H, ये बन गया एसिटल्डिहाइड। और क्या एसिटल्डिहाइड देता है, कितनी बार बताया गया है तुम लोगों को, कीटोन एल्डिहाइड, और खास करके प्राइमरी अल्कोहल में ये CH3 CH2OH ऐसा प्राइमरी अल्कोहल है जो आइडोफॉर्म टेस्ट दे जाता है, और एल्डिहाइड में ये वाला CH3 CHO एसिटल्डिहाइड ये भी दे जाते हैं आइडोफॉर्म टेस्ट, क्योंकि इनके पास कौन देता है अक्सर आइडोफॉर्म टेस्ट, वो देते हैं जिनके पास CHOH CH3 ग्रुप हो या फिर RCO CH3 ग्रुप, तो ये दे जाएगा टेस्ट, जी हाँ। तो क्या पहला ही वाला ऑप्शन मिल रहा है, अभी 50% तो मिला है, तुम AgNO3 वाली बात नहीं किए, तो देखो क्या यहाँ से आयोडीन बड़े आराम से निकल सकता है, हाँ, क्योंकि यहाँ पे प्लस चार्ज बेंजीन रिंग से बड़े आराम से रेजोनेंस कर रहा है तो ये बड़े आराम से आई प्लस निकल जाएगा, और एजी प्लस AgNO3 के एजी प्लस के साथ रिएक्शन करके AgI का प्रेसिपिटेट दे देगा येलो कलर का, बड़े आराम से प्रेसिपिटेट दे देगा, तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट पार्ट, ठीक है। और क्वेश्चन की बात करोगे तो तुम्हें ऐसा नहीं देखने को मिलेगा, ना तो आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, हो सकता है वो AgI बना दे लेकिन आइडोफॉर्म टेस्ट देने वाले बहुत कम है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर टू। मतलब ऐसे क्वेश्चन जेई में इतने आसान लेवल के क्वेश्चन नहीं आने चाहिए, लेकिन पहले एडवांस में आए हुए हैं एक एक नंबर में, तो इस बार जेई वाले भी उसको चार चार नंबर में पूछ लेते हैं। चलो हमसे क्या जानना चाहता है, इस कंपाउंड की रिएक्शन, अच्छा किससे कराना चाहते हो, HNO3 H2SO4, ये H2SO4 था, मतलब नाइट्रेशन कराना चाहते हैं, जी हाँ। और तुम अगर नाइट्रेशन कराओगे तो नाइट्रेटिंग एजेंट अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल NO2 प्लस आएगा, कहाँ पे अटैक करेगा, तो जब भी रिंग में बहुत सारे लोग लगे हो तो पूछते हैं रिंग को कौन सबसे ज्यादा अटैक कर एक्टिवेट कर रहा है, इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे आएगा वो कौन बताएगा, जो रिंग को ज्यादा इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा, कौन ज्यादा इलेक्ट्रॉन दे रहा है, NO2 तो इलेक्ट्रॉन खींचते हैं तो इनसे नहीं पूछो, CH3 ग्रुप पुश करते हैं लेकिन ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होते हैं वो अपने ऑर्थो और पैरा पे माइनस चार्ज भेजते हैं, और ऑर्थो पे लगाओगे बहुत सारे ग्रुप एक साथ आ जाएंगे तो तुम पैरा पे लगाना चाहोगे तो इसके पैरा पे NO2 लगाओ, तो हमारे पास प्रोडक्ट वो होगा जहां पर जो OH लगा है उसके पैरा पे लग जाएगा NO2, सिंपल है, एरोमेटिक से रिएक्शन अक्सर आती हैं
और जो भी आते हैं वो बड़े आराम से कंप्लीट हो जाता है अगर तुमने एरोमेटिक के सारे लेक्चर्स देखे हो बड़े आराम से। चलिए तो अगर हम क्वेश्चन की बात करें आंसर की बात करें तो आंसर क्या हो जाएगा अपने पास, देखो ध्यान से, ये आंसर हो जाएगा OH जहां लगा है सी ऑप्शन में, OH जहां लगा है उसके पैरा पे लग जाएगा NO, आंसर हो जाएगा सी पार्ट। ठीक है चलो क्वेश्चन नंबर, इसके चारों ऑप्शन अगर तुम देखना चाहते तो ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन ऐसे करके लिख गया है, ये इसके चार ऑप्शन थे, आंसर हो जाएगा सी पार्ट। ठीक है आगे चले क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ, ये रहा थर्ड नंबर क्वेश्चन, बहुत आसान सा क्वेश्चन है अगर तुमने खास करके केमिकल काइनेटिक्स पढ़ा हो, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। पहला हमारे पास देखो टर्सरी ब्यूटाइल, ये टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड हमारे पास है, उसकी रिएक्शन NaOH से करा रहे हैं तो ये पक्का SN1 मैकेनिज्म से गया होगा, तो इसका रेट लॉ लिखा है रेट कॉन्स्टेंट कंसेंट्रेशन ऑफ जो टर्सरी ब्रोमाइड है उसी के लिए टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड जो लिखा है उसी के ऊपर डिपेंड कर रहा है, मतलब ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है और वैसे भी हमें पता है ये SN1 मैकेनिज्म से गया होगा, अपने आप कार्बोकेटाइन बन गया होगा क्योंकि कार्बोकेटाइन का बनना बहुत आसान है, बाद में OH- ऐसे न्यूक्लियोफाइल अटैक कर देगा और बना देगा एल्कोहल। दूसरी वाली रिएक्शन ये तो E2 मैकेनिज्म है, पता है एल्कोहलिक KOH इसके रिएक्शन करा दोगे तो वो क्या कर देते हैं बीटा एलिमिनेशन करा देते हैं, अल्फा से हैलोजन बीटा से हाइड्रोजन ये बना देते हैं, तो ये तो दोनों के ऊपर डिपेंड करता है ये रिएक्शन, अगर कभी तुमने मैकेनिज्म देखा हो तो क्या बोलते हैं जहां से हैलोजन निकल रहा हो जहां से अल्फा एच को निकालने के लिए OH- अप्रोच करता है हैलोजन निकलते हैं और ये इसमें OH- का भी इन्वॉल्वमेंट है और ये भी एक साथ, फिर यहाँ पे आता जाता है जैसे जैसे H+ निकलेगा यहाँ पे आएगा माइनस, यहाँ जैसे जैसे हैलोजन निकलेगा यहाँ आएगा प्लस और ये आपस में मिलकर के बॉन्ड बनाते रहते हैं, E2 मैकेनिज्म का केस है और बताया भी है वहां पे देखो दो लोगों के ऊपर रेट डिपेंड कर रहा है तो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है वो। अच्छा अब हमसे पूछ रहा है अगर ये तुम्हें इंफॉर्मेशन दिया गया है देन करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग जो यहाँ पे हमारे पास दो रिएक्शन हैं फर्स्ट और सेकेंड उनके लिए करेक्ट स्टेटमेंट बताएं। फर्स्ट रेट ऑफ फर्स्ट रिएक्शन रिमेन्स अनचेंज्ड इफ कंसेंट्रेशन ऑफ OH- इंक्रीजेस, तो बिल्कुल साफ साफ सही सही बात है, अगर तुम OH- का कंसेंट्रेशन बढ़ाओगे तो रिएक्शन का रेट चेंज नहीं होगा क्योंकि उसके ऊपर डिपेंड ही नहीं कर रहा है, क्या यहाँ OH- का कोई टर्म है, नहीं तो रेट कुछ बढ़ने घटने वाला नहीं है, रेट ऑफ सेकेंड नहीं क्या फर्स्ट रिएक्शन के बारे में बोल रहा है ना, रेट ऑफ फर्स्ट रिएक्शन रिमेन्स अनचेंज, हाँ रेट जो है वो अनचेंज रहेगा इफ कंसेंट्रेशन ऑफ OH- इंक्रीजेस, OH- का कंसेंट्रेशन बढ़ाओगे तब भी फर्स्ट का रेट चेंज नहीं होगा क्योंकि रेट लॉ में उसका कोई मतलब वहां पे दिखाया नहीं गया है, वहां पे OH- है ही नहीं, OH- बढ़ाने घटाने से रेट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो अपने आप आसानी से आंसर हो जाएगा फर्स्ट पार्ट। अगर तुम सेकेंड स्टेटमेंट को देखो हमसे बोला है रेट ऑफ सेकेंड रिएक्शन रिमेन्स अनचेंज इफ कंसेंट्रेशन ऑफ OH- इंक्रीजेस, रेट ऑफ सेकेंड रिएक्शन रिमेन्स अनचेंज्ड इफ कंसेंट्रेशन ऑफ OH- इंक्रीजेस, नहीं जैसे जैसे OH- का कंसेंट्रेशन बढ़ाओगे रेट बढ़ेगा। थर्ड में हमसे क्या बोल रहे, तो सेकेंड वाला तो गलत स्टेटमेंट है, सेकेंड जो स्टेटमेंट हमसे बोला है वो कैसा है गलत, पहला वाला तो करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट की अगर बात करें रेट ऑफ बोथ रिएक्शन बिकम्स डबल इफ द कंसेंट्रेशन ऑफ OH- बिकम्स डबल, कहां से भाई सेकंड में बोल सकते हैं कि अगर OH- का कंसेंट्रेशन डबल करोगे तो रेट डबल हो जाएगा लेकिन फर्स्ट में ऐसा नहीं होगा, तो ये स्टेटमेंट गलत है। लास्ट में बोल रहा है कि जो हमारे पास रेट ऑफ बोथ रिएक्शंस डज नॉट डिपेंड अपॉन कंसेंट्रेशन ऑफ OH-, ऐसा क्वेश्चन जेई के लिए तो नहीं था, ये तो साफ साफ गलत है, दूसरे का तो रेट डिपेंड करता है OH- पे, क्वेश्चन में ही सारा आंसर दिया है, अपने आप आंसर हो जाएगा फर्स्ट पार्ट। ठीक है क्वेश्चन देखने में अच्छा लग रहा है लेकिन है नहीं रियल में, आसान सा क्वेश्चन इसको मान सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर एसिडिक स्ट्रेंथ बेसिक स्ट्रेंथ कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी न्यूक्लियोफिलिक अटैक कहाँ पे आसान होगा, यहाँ से क्वेश्चन अक्सर जेई वाले पूछते रहते हैं, बहुत प्यारा रहता है इनके लिए, तो हमारे पास अगला क्वेश्चन इन्हीं के ऊपर है। एसिडिक स्ट्रेंथ की बात कर रहा है क्वेश्चन में, अगर हम थोड़ा सा तुम्हें और अच्छे से स्ट्रक्चर को दिखाना चाहें ये स्ट्रक्चर पे पहले ध्यान से फोकस करें। अब हमसे क्या चाहता है कि ये जो हमारे पास चार इस पूरे स्ट्रक्चर को देख लो, हमारे पास चार ABCD करके लिखे हुए हैं, यहाँ पे A यहाँ पे कहाँ गया B ये रहा B ये रहा C और ये रहा D, हमसे पूछ रहा है एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताएं, तो सबसे अच्छा एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड का तो B तो सबसे अच्छा होगा, तो उसमें OH वाले का कोई सेंस ही नहीं लिया जा सकता, कार्बोक्सिलिक एसिड बहुत ही स्ट्रांग होते हैं। उसके बाद जो एल्काइन होता है वो तो एल्कोहल से भी बेकार होता है और ये तो फिनॉल है, फिनॉल वाले तो बड़े अच्छे होते हैं। अच्छा C और A में कौन अच्छा होगा बोलेंगे, जो
जब यहां से एच प्लस निकालेंगे तो इसका माइनस चार्ज कहाँ जाएगा, ऑर्थो और पैरा पे जाएगा, तो एनओ टू से रेजोनेंस करने को मिल जाएगा इसको, तो सी वाला ज्यादा अच्छा होगा, बी के बाद सी, उसके बाद ए और सबसे बेकार डी। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, बी सी ए डी हो जाएगा। अगर तुम ऑप्शन देखो तो तुम्हें मिल जाएगा आंसर बी सी ए डी। कहाँ है बी सी ए डी, कहाँ है कहाँ है कहाँ है, यहाँ आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन में। ठीक है लल्लू साहब, अगर तुम्हें इन जनरल ऑर्डर बताएं तो कितनी बार तुम्हें याद कराया गया है कि जो फिनॉल वाले ग्रुप होते हैं वो तो वाटर से भी अच्छे होते हैं, और जो एल्कोहल होते हैं वो एल्काइन से अच्छे होते हैं, एल्काइन किन से अच्छे होते हैं, एल्काइन अमोनिया से अच्छे होते हैं, अमोनिया किससे अच्छा एसिड होता है, अमोनिया एल्केन से अच्छा होता है। अक्सर पांच गधे याद कराए जाते हैं ना, वाटर सबसे अच्छा, फिर एल्कोहल, फिर एल्काइन, फिर अमोनिया, फिर वाटर, वाटर नहीं, फिर कौन, एल्केन। ये ऑर्डर बहुत हेल्प करता है। तो यहाँ पर भी देखो एल्काइन तो बहुत वीक होते हैं, वो तो एल्कोहल से भी वीक एसिड होता है, तो सबसे वीक होगा डी, तो अपने आप तुम्हें या तो ए आंसर होगा या तो बी आंसर होगा। और उसके बाद तुम थोड़ा सा भी देख लो, बस देख लो सबसे अच्छा कौन होता, तो कार्बोक्सिलिक एसिड वाला सबसे अच्छा हो जाता, तो आंसर आ जाता अपने आप बी ऑप्शन। ठीक है चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें। अच्छा सा क्वेश्चन है, मतलब जेई के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, ऐसे क्वेश्चन नॉर्मली नहीं देखने को मिलते, लेकिन अच्छा सा क्वेश्चन है। और क्वेश्चन तुम्हारे सामने हाजिर है, ये कंपाउंड है, ऊपर एफ लगा है, नीचे बी आर, उसकी रिएक्शन एल्कोहलिक केओएच से करा रहा है। अगर तुम ध्यान से देखो तो कोई ना कोई हैलोजन छोड़ रहा है, कभी बी आर छोड़ रहा है, कभी फ्लोरिन छोड़ रहा है, मतलब अल्टीमेटली तो ये एलिमिनेशन होगा, ए टू मैकेनिज्म के थ्रू एलिमिनेशन होगा, लेकिन एलिमिनेशन किसका कराओगे? तो सबसे अच्छी बात है कि एलिमिनेशन एल्काइल हैलाइड अगर ओपन चेन हो तो किसका एलिमिनेशन आसान रहता है, सबसे आसान रहता है आयोडीन वालों का, फिर ब्रोमीन का, और फिर रहता है क्लोरीन का, और सबसे बेकार फ्लोरीन का। तो पक्का फ्लोरीन नहीं निकलने वाला है, अगर तुम्हें बचाना है तो फ्लोरीन को बचाओ, या तो सी होगा या तो डी होगा, ब्रोमीन निकलेगा। अब ब्रोमीन यहां से निकलेगा तो एक अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे होगा, एक अल्फा हाइड्रोजन यहाँ होगा, तो हमारे पास दो पॉसिबल प्रोडक्ट मिल सकते हैं। एक तो हम ये बना सकते हैं, यहां से तुम ब्रोमीन अगर तुमने निकाल दिया तो यहां से ब्रोमीन और यहां से एच ले लें तो हमारे पास ये मिल जाएगा। दूसरा केस ये हो सकता है कि हम उधर वाला एच यूज कर लें, इस एच को यूज करें और यहां से ब्रोमीन ले लें, तो हमें क्या मिल जाएगा, इधर डबल बॉन्ड। और ये अब इन दोनों में से कौन सा होगा वो कौन बताएगा? देखो निकलना तो ब्रोमीन को है, लेकिन किस एच की तरफ ओ एच माइनस अप्रोच करेगा, इस एच की तरफ या फिर इस एच की तरफ? बोलेंगे उस एच की तरफ अप्रोच करेगा ओ एच माइनस, क्योंकि ये तो ओ एच माइनस के ऊपर भी डिपेंड करता है ना, तो हम बोलेंगे उस एच की तरफ अप्रोच करेगा ओ एच माइनस जो एच ज्यादा एसिडिक हो, क्योंकि उसको एच प्लस जैसा ही तो निकालना रहता है, तो उस एच की तरफ अप्रोच करेगा जो ज्यादा एसिडिक होगा। कौन सा एच ज्यादा एसिडिक है? जो फ्लोरीन के पास वाला है, ये वाला। तो ये एच ज्यादा एसिडिक है, पक्का ओ एच माइनस इसी के पास जाएगा, यहां से एच प्लस निकाल लेगा, और हमारे पास मेजर प्रोडक्ट की बात करोगे तो ये, ठीक है, तो पक्का हमारे पास आंसर हो जाएगा सी पार्ट। एक हिसाब से बेहतरीन क्वेश्चन है बीटा एलिमिनेशन का, इससे बेहतरीन क्वेश्चन आज तक तो नहीं आया था बीटा एलिमिनेशन का, केवल एग्जैक्ट बीटा एलिमिनेशन के ऊपर क्वेश्चन, और बहुत प्यारा सा क्वेश्चन बना के दिया है एनटी वालों ने। चले क्वेश्चन को हमें समझना चाहिए, क्वेश्चन से सीखना चाहिए अपने को, फ्यूचर एग्जाम में जब भी कभी आएगा तो ऐसे क्वेश्चन हमें कुछ सिखा के जाएंगे। आगे चले चलते हैं, आंसर तो सी पार्ट हो गया है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। जो लोग मेरे यहाँ पहले पढ़ चुके होंगे, मैं अक्सर बोलता हूँ ये सब टेस्ट तो बायो का है, लेकिन मैंने सिखाया है तुम लोगों को कहाँ पे, बायोमोलिक्यूल्स में। कौन कौन से टेस्ट, मोलिस्ट टेस्ट, बायूरेट टेस्ट, पता नहीं कौन कौन से बहुत सारे टेस्ट तुम लोगों को सिखाए हैं। तो जब तुम सुक्रोज के हाइड्रोलिसिस कराओगे, सुक्रोज किससे मिलकर बना होता है, एल्फा ग्लूकोज और बीटा, अल्फा ग्लूकोज और बीटा फ्रक्टोज से मिलकर बना होता है। तो जब तुम उसके हाइड्रोलिसिस कराओगे तो वो ग्लूकोज और फ्रक्टोज में टूट जाएगा, कौन भाई, तो सुक्रोज। और ये ग्लूकोज क्या है, ये तो हमारे पास एल्डिहाइड वाले होते हैं, एल्डोज बोलते हैं इनको, और जो फ्रक्टोज है वो कीटोन वाले होते हैं, तो इनको बोलते हैं कीटोज। और जो एल्डोज और कीटोज होते हैं ना, इनको डिस्टिंग्विश करने के लिए, एल्डोज और कीटोज को डिस्टिंग्विश करने के लिए सेलिवानो ऑफ रिएजेंट यूज करते हैं, जिसको सेलिवानो ऑफ टेस्ट भी बोलते हैं। ये क्या है, कभी तुमने सुना हो, अगर मैं थोड़ा सा छोटा करूं, मुझे और जगह चाहिए लिखने के लिए। हाँ, कभी हमने सुना होगा बेंजीन रिंग में दो दो ओएच लगाते हैं, तो कंपाउंड का कुछ नाम जानते हैं? अगर हमारे पास ओएच ओएच लगे हों, इसको तो जैसे लगता है जैसे बांग्ला नाम है इसका, इसको बोलते हैं कैटेचॉल, कैटेचॉल। अगर हमारे पास मेटा पे लगा हो तो उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आता है तो बोल ले एक बार, मजा आ जाता है, इसको बोलते हैं रिसॉर्सिनॉल, रिसॉर्सिनॉल, थोड़ा सा गंदा लिख रहे हैं समझ लेना, रिसॉर्सिनॉल। और अगर पैरा पे लगे हों तो ओ एच अगर लगे हों पैरा पे, तो इसको बोल देते हैं
क्यूनॉल, इसको क्या बोल देते हैं, क्यूनॉल या पैराक्यूनॉल बोल सकते हो। अच्छा अब कैटेचॉल, रिसॉर्सिनॉल और क्यूनॉल, इसमें से जो रिसॉर्सिनॉल है, अगर हम रिसॉर्सिनॉल को यूज करें और इसमें डाल दें कंसंट्रेटेड एचसीएल, विथ कंसंट्रेटेड एचसीएल, तो जो ये मिक्सचर बन करके आता है उसी को बोलते हैं सेलिवानो ऑफ रिएजेंट। बायोमोलिक्यूल्स अच्छे से पढ़ो तो जिसमें बहुत सारे टेस्ट आते हैं, तो एक टेस्ट ये भी होता है, निन हाइड्रिन टेस्ट और पता नहीं कौन कौन से टेस्ट देखने को मिलते हैं, तो उसमें ये भी एक टेस्ट है। अच्छा तो ये हो गया क्या, ये है सेलिवानो ऑफ रिएजेंट, ये जो तुम्हें मिला, ठीक है, ये है क्या सेलिवानो ऑफ रिएजेंट। ये करता क्या है, जब तुम्हारे पास किसी कंटेनर में एल्डोज और कीटोज पड़े हों और तुमने सेलिवानो ऑफ रिएजेंट डाल दिया, तो ये करता क्या है, कीटोज जो है ना सेलिवानो ऑफ रिएजेंट के साथ बहुत जल्दी रेड कलर दे जाता है। कैसा कलर, रेड कलर। और एल्डोज, एल्डोज देते हैं बहुत देर से रिएक्शन करते हैं, नॉर्मली नहीं करते हैं, किसके साथ, सेलिवानो ऑफ रिएजेंट के साथ, लेकिन कीटोज रेड कलर दे जाते हैं, तो कीटोज अलग हो जाते हैं, कीटोज रिएक्शन कर जाते हैं सेलिवानो ऑफ से और एल्डोज बचे रह जाते हैं। इनको डिस्टिंग्विश करने के लिए सेलिवानो ऑफ रिएजेंट यूज करते हैं। कैसा कलर मिलता है, लाल लाल, रेड कलर। मैंने तुम लोगों को बहुत सारे टेस्ट सिखा रखे थे, और क्यों, क्योंकि लास्ट टाइम एग्जाम में आया था जेई में, और उसी टाइम पे मैंने ये बोल दिया था कि आगे भी फ्यूचर में इसके ऊपर टेस्ट आते रहेंगे। तो हम लोगों ने मॉलिज टेस्ट, निन हाइड्रिन टेस्ट, बाई यूरेट टेस्ट, सेलिवानो ऑफ टेस्ट, बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट के टेस्ट और अमीनो एसिड के टेस्ट बताए गए हैं तुमको। चलो ये सिक्स का हो गया, नीट के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं, अगर तुम नीट के लिए पढ़ रहे तो इन सारे टेस्ट को उतना मतलब नहीं भी लोगे सीरियसली तो चलता है, हाँ हो सकता है कि आ जाए, लेकिन नॉर्मली नहीं पूछा जाता उधर। आओ अगला क्वेश्चन, प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा सा। टू ए साइक्लिक कंपाउंड्स ए एंड बी हैविंग सेम मॉलिकुलर फॉर्मूला C3H6O, ए एंड बी रिएक्ट्स विद CH3MgBr एंड गिव्स रिस्पेक्टिवली सी एंड डी। अच्छा मतलब ए सी देता है और बी डी देता है। सी एंड डी हैव द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हम लोगों ने किए हैं। सी है वो आइडोफॉर्म टेस्ट देता है, सी कैसा टेस्ट देता है, नहीं, सी आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देता लेकिन डी दे जाता है। और लुकास टेस्ट, अब वो एल्कोहल वाला टेस्ट है, जो सी है वो बहुत जल्दी दे जाता है लुकास टेस्ट, लेकिन जो डी है वो 5 मिनट लगाता है, 5 से 10 मिनट, मतलब पक्का जो डी रहा होगा वो सेकेंडरी एल्कोहल रहा होगा। एल्कोहल की बात चल रही है, लुकास टेस्ट दोनों देते हैं मतलब दोनों ही एल्कोहल होंगे। ओ अच्छा तो फॉर्मूला क्या है उसका, C3H6O। ध्यान से देखो, अगर तुमने आइसोमेरिज्म देखा होगा, पहला पहला आइसोमेरिज्म कार्बोनिल कंपाउंड के लिए मैंने यही लिखा होगा, और इसके दो आइसोमर बन सकते हैं, जाके तुम अभी भी वीडियो देख सकते हैं आइसोमर में, कार्बोनिल कंपाउंड वाला लेक्चर खोलो, उसमें पहला आइसोमर मैंने कार्बोनिल कंपाउंड का यही बताया होगा। तो एक इसका कीटोन हो सकता है एसीटोन, और एक हो सकता है इसका एल्डिहाइड CH3CHO। अब जब तुम इसकी रिएक्शन कराओगे ग्रिग्नार्ड एजेंट के साथ CH3MgBr के साथ, क्या होगा, CH3- अटैक कर जाएंगे एल्डिहाइड पे, और बाद में हाइड्रोलिसिस करा दोगे तो CH3CH2 CHOH CH3 ये मिल जाएगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो जाएगा इस एल्डिहाइड पे CH3- का, तो ये बन जाएगा सेकेंडरी एल्कोहल, तो पक्का ये डी होगा। हाँ ये टेस्ट भी दे जाएगा आइडोफॉर्म टेस्ट, क्योंकि इसके पास CH3 CHOH CH3 ग्रुप है, तो ये होगा डी। और सी क्या होगा, जब तुम इसकी कराओगे ग्रिग्नार्ड एजेंट के साथ, CH3- ऐसे न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेंगे और हमें मिलेगा टर्सरी एल्कोहल। देखो इधर अटैक करेगा, ये पाई बॉन्ड शिफ्ट होगा, ओ माइनस के बाद में एच मिल जाएगा ये। और टर्सरी एल्कोहल लुकास टेस्ट तो बड़े प्यार से दे जाते हैं, क्यों, कार्बोकेटाइन के थ्रू लुकास टेस्ट होता है, और बहुत आराम से प्यार से लुकास रिएजेंट के साथ, जिसको जिंक ZnCl2 एनहाइड्रस ZnCl2 विद कंसंट्रेटेड HCl, उसको बोलते हैं लुकास रिएजेंट। और टर्सरी एल्कोहल बहुत प्यार से, टर्सरी एल्कोहल या फिर ऐसे कार्बोकेटाइन जो पाई बॉन्ड से रेजोनेंस करते हैं, वो बहुत प्यार से टेस्ट दे जाते हैं, तो ये हो जाएगा अपना सी। तो सी होगा टर्सरी एल्कोहल और डी होगा हमारे पास सेकेंडरी एल्कोहल। तो हमसे पूछा है आइडेंटिफाई स्ट्रक्चर्स, तो सी और डी, आओ भाई देख लेते हैं आइडेंटिफाई स्ट्रक्चर सी एंड डी रिस्पेक्टिवली। सी क्या होगा अपने पास, ये तो होगा डी, मतलब या तो ये पहला ऑप्शन हो सकता है, या तो दूसरा ऑप्शन हो सकता है, या तो लास्ट हो सकता है, डी वाला तो यही होगा। लेकिन अब क्या होगा हमारे पास, जो सी है वो क्या होगा, सी होगा ये, तो अपने आप आंसर हो जाएगा बी पार्ट। ठीक है, प्यारा सा क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चंस अपने ज्ञान को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, और क्वेश्चन आसान है, मतलब बढ़ाने का क्या, एक बार अच्छा सा ऑर्गेनिक का प्रैक्टिस हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, अभी फुल टेस्ट लिया था मैंने IIT JEE वालों, नीट वालों के लिए, 45 क्वेश्चंस का।
सेम डेटा है ये, अगर उन लोगों को याद आ रहा हो सेम डेटा है यहाँ पे, बस मैंने पूछा था ऑर्डर बता दो, यहाँ पे उन्होंने दो वैल्यूज मिसिंग कर दिया है और पूछ रहे हैं कि ऑर्डर नहीं इन एक्स और वाई की वैल्यू बता दो क्या होगा। बड़े आराम से लिख सकते हैं, क्या लिखें, रेट इक्वल्स टू रेट कॉन्स्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ ए होल्ड द पावर एक्स कंसंट्रेशन ऑफ बी होल्ड द पावर वाई वेयर एक्स एंड वाई आर द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए एंड बी। पहले ऑर्डर निकाल लो। तो अगर फर्स्ट और सेकेंड एक्सपेरिमेंट को अगर तुम ध्यान से देखो, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट और सेकेंड एक्सपेरिमेंट, तो इसमें क्या किया गया है, जो हमारे पास ए है, बी तो कांस्टेंट है, ए क्या हो गया डबल, तो बोलेंगे ए हो गया डबल तो टू टू दी पावर एक्स, बी कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को हटा देते हैं, तो रेट कितने टाइम्स हो गया, रेट भी हो गया डबल, रेट भी डबल हो गया, तो ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर कैसा हो गया फर्स्ट। और अब अगर हम दूसरा डेटा यूज करें, ध्यान से देखें कौन सा डेटा यूज कर ले हम, अगर हम फर्स्ट और थर्ड एक्सपेरिमेंट यूज करें जहां पे ए कांस्टेंट है 0.1 से 0.1, बी को क्या किया डबल, और रेट कितने टाइम्स हो गया 4 टाइम्स, देखो 6 से 2.4, ये एक हिसाब से इसको लिख सकते हैं 224 × 10⁻³, तो 10⁻³ 10⁻³ सेम हो जाएगा 6 से 24 हो गया, तो 4 टाइम्स हो गया ना। तो जब तुमने बी को किया डबल तो रेट कितने टाइम्स हो गया 4 टाइम्स, तो बी के पावर में क्या है वाई, तो वाई कितना हो जाएगा 2। तो हम लोग ऐसे ही सॉल्व करते हैं, जल्दी से सॉल्व हो जाता है, तो रेट कांस्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ ए होल्ड द पावर 1 और कंसंट्रेशन ऑफ बी होल्ड द पावर 2, ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर 1 बी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर 2। अच्छा अब क्वेश्चन में कुछ है नहीं, अब अगर ध्यान से एक्स और वाई तुम्हें निकालना है तो क्या करें और बताते हैं, थोड़ा सा ध्यान से देख लिया जाए। देखो थोड़ा सा ये जो यहाँ पे बहुत सारा नौटंकी हो गया उनको हटा देते हैं। चले अब अगर हमें चाहिए एक्स और वाई, हमें ऑर्डर पता चल चुका है, हाँ अब हम थर्ड और फोर्थ एक्सपेरिमेंट उठा लेते हैं, बी को क्या किया कांस्टेंट, ए को क्या किया पता नहीं, लेकिन हमें पता है रेट कितने टाइम्स हो गया 2.4 से 7.4, पक्का ये 3 टाइम्स हुआ होगा, ये तो 3 टाइम्स हो गया ना। अच्छा 3 टाइम्स हुआ और ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर क्या है फर्स्ट ऑर्डर, तो अगर ए को करोगे रेट को करोगे 3 टाइम्स और बी कॉन्स्टेंट रखा है तुमने, बी देखो चेंज नहीं हुआ बी कॉन्स्टेंट है, तो अगर तुमने रेट को कर दिया 3 टाइम्स तो क्या ए भी 3 टाइम्स हुआ होगा, तभी तो जा करके, क्योंकि उसकी पावर में 1 है, तो अगर तुम ए को 3 करोगे, ए को 3 टाइम्स करोगे तभी तो रेट 3 टाइम्स हुआ होगा, तो पक्का ये 0.1 है, तो ये उसका 3 टाइम्स हो जाएगा 0.3, तो एक्स हो जाएगा 0.3, एक्स हो जाएगा 0.3, खुशी का ठिकाना नहीं, या तो बी होगा या तो डी होगा। अब वाई कैसे निकाले, सेम लॉजिक लगाओ, अब देखो 4 और 5 तुम्हें 4 पता चल चुका, एक्स पता चल गया 0.3 है, तो ये 0.3 से 0.3 सेम है। अब जब तुम 7.2 से 2.88 गए, यहाँ पे 10⁻¹ है, इसको ऐसे समझे 2.8 2. इसको ऐसे लिख सकते हैं 28.8 × 10⁻², तो ये 7.2 से 28.2 मतलब कितने टाइम्स हो गया 4 टाइम्स, तो ये इंफॉर्मेशन है हमारे पास 4 टाइम्स होने का, 4 टाइम्स, तो ये 4 टाइम्स हो गया। अच्छा बी को, ए को तुमने कांस्टेंट रखा है, बी को कितने टाइम्स करेंगे तो ये 4 टाइम्स होगा, पक्का बी को डबल कर दो, जब तुम इसको करोगे डबल, इसको करोगे डबल, पावर में 2 है इसके पावर में तो 2 है, तो जब तुम इसको करोगे डबल रेट 4 टाइम्स हो जाएगा, ए को कांस्टेंट रखते हुए तो बी को कर दो डबल, तो ये हो जाएगा 0.4, आंसर हो जाएगा बड़े आराम से बी। अच्छा सा क्वेश्चन था, बेहतरीन सा क्वेश्चन था, अगर तुम्हारे पास केमिकल काइनेटिक का सीट है लोकस एकेडमी का जो मेरे यहाँ पढ़ते हैं, तुम्हें फर्स्ट पेज में ही ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, फर्स्ट पेज में ही, फर्स्ट या सेकंड पेज में, जो तुम्हारे पास केमिकल काइनेटिक्स की सीट है फर्स्ट सेकंड पेज में तुम्हें ऐसे क्वेश्चंस पक्का देखने को मिल जाएंगे। एटॉमिक स्ट्रक्चर ऐसे क्वेश्चंस खास करके अभी क्रैश कोर्स में तुम लोगों को कराए गए थे। नंबर ऑफ सब सेल्स, हाँ बस यहाँ पे अक्सर हम लोग इलेक्ट्रॉन पे फोकस करते थे, यहाँ पे सब सेल पूछा है, टेंशन नहीं ले, अगर तुम नीट के लिए हो तो तुम्हें बड़े आराम से समझ में आ जाएगा। सब सेल क्या होता है, सबसे पहले तो सब सेल की बातें करें, सब सेल पूछा है ऑर्बिटल्स नहीं, सब सेल्स क्या होते हैं एस पी डी एफ, ये होते हैं सब सेल्स। अच्छा भाई तो एन इक्वल्स टू 4 है, हाँ सब सेल को कौन बताता है एल, एजीमुथल क्वांटम नंबर वो बताता है सब सेल को, अगर एल इक्वल्स टू 0 होता है तो हम जानते हैं कि वो सब सेल कैसा रहा होगा एस, अगर एल इक्वल्स टू 1 मिल जाता है तो सब सेल कैसा रहा होगा पी, अगर एल इक्वल्स टू टू मिल जाता है तो सब सेल कैसा होता है डी, और अगर एल इक्वल्स टू 3 मिल जाता है तो सब सेल कैसे हो जाते हैं एफ, तो ये एल जो है वो बताता है हमें सब सेल के बारे में। तो अगर एन इक्वल्स टू 4 है तो एल क्या क्या हो सकता है, हमें पता है जो एल होता है वो एन माइनस 1 तक होता है 0 से लेकर, तो एल हो जाएगा 0 1 2 3, क्योंकि हमें पता है कि जो L की वैल्यू होती है वो क्या होती है 0 से लेकर n-1 तक सारी पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं इंटीजर में। तो अब क्या यहाँ पे तुम्हें -2 मिल सकता है, नहीं, क्या यहाँ तुम्हें -2 मिल सकता है, नहीं, क्यों, क्योंकि m की वैल्यू कहाँ लाई करती है, m की वैल्यू तो होती है जो m बिलोंग्स टू -L टू प्लस L,
तो हमें देखना होगा क्या माइनस जीरो से प्लस जीरो में माइनस टू मिलेगा, नहीं। क्या माइनस वन से प्लस वन में माइनस टू मिलेगा, नहीं। क्या माइनस टू से प्लस टू में मिलेगा, हाँ। तो ये एक तो ये सबसे लो जाएगा, हाँ, ये मतलब एस पी डी, ये डी हो जाएगा। और तीसरे में क्या माइनस थ्री से प्लस थ्री जाओगे तो माइनस टू मिलेगा क्या, हाँ। तो ये तो कितने सबसेल के लिए ये बताया जा रहा है, नंबर ऑफ सबसेल्स, कितने सबसेल्स होंगे जिसके लिए एन की वैल्यू माइनस टू हो सकता है। अगर एन की वैल्यू फोर है तो दो, तो सबसेल कितने हो जाएंगे, दो। आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। चलें, ऐसे क्वेश्चंस अभी तक कभी भी जेई में ज्यादा देखने को नहीं मिले हैं, आए हैं, खुशी की बात है। अच्छा क्वेश्चन है, एटॉमिक स्ट्रक्चर से बेहतरीन क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नाइन, क्वेश्चन नंबर टेन की बात करें अगर हम लोग, सरफेस केमिस्ट्री एक प्यारा सा टॉपिक होता चला जा रहा है कंपटीशन एग्जाम का, जो अभी अगर तुमने फर्स्ट शिफ्ट में देखा हो तो दो दो क्वेश्चन थे। सेकेंड शिफ्ट की बात करें तो यहाँ पर भी अपने पास क्वेश्चन हाजिर हैं, एक क्वेश्चन। तो क्या करें, इस क्वेश्चन को देखना शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में क्या बोला है, डेल्टा एच बिकम्स लेस नेगेटिव। एक बार फिर से क्या बोला जा रहा है, डेल्टा एच बिकम्स लेस नेगेटिव विथ प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। किसके बारे में बोल रहा है, सबसे पहले तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट व्हेन एड्सॉर्प्शन ऑफ ए गैस टेक्स प्लेस ऑन मेटल सर्फेस। तो कोई मेटल सर्फेस ले लो, चलो अगर तुम्हारे पास कोई मेटल सरफेस है, तुम्हारे पास बहुत सारी गैस है, जैसे जैसे एड्सॉर्प्शन होगा तो उसके सरफेस पे गैसेस एब्जॉर्ब होती चली जाएंगी, तो टाइम के साथ साथ क्या होगा, सरफेस ही पूरा फिल हो जाएगा, तो फिर और गैस एब्जॉर्ब ही नहीं हो पाएगी। तो टाइम के साथ साथ एब्जॉर्प्शन ही कम होगा, तो डेल्टा एच पहले अट्रैक्शन होता है, पहले स्टार्टिंग में तो ज्यादा गैसेस एब्जॉर्ब होंगे तो ज्यादा हीट लिबरेट होगा, तो पहले ज्यादा नेगेटिव होगा, लेकिन जैसे जैसे एब्जॉर्प्शन होता चला जाएगा टाइम के साथ साथ सरफेस पूरा कवर हो जाएगा, तो और मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब भी नहीं हो पाएंगे, तो और हीट नहीं लिबरेट होगा, तो टाइम के साथ साथ ये कम नेगेटिव होता जाएगा। तो करेक्ट स्टेटमेंट है। अगले में क्या बोल रहा है, विथ प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन द स्ट्रेंथ ऑफ रेसिड्यूअल फोर्सेस इंक्रीजेस। हमसे बोल रहा है विथ प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन द स्ट्रेंथ ऑफ रेसिड्यूअल फोर्सेस इंक्रीजेस। अब ये क्या चीज बोला जा रहा है अपने को, अगर हम सेकेंड स्टेटमेंट की बात करें, जैसे जैसे प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन होगा, स्ट्रेंथ ऑफ रेसिड्यूअल फोर्सेस इंक्रीजेस, मतलब जो यहाँ पे गैसियस मॉलिक्यूल हैं और उनका मेटल सरफेस की तरफ अट्रैक्शन बढ़ता जाएगा, तो ये तो साफ साफ गलत है। जैसे जैसे मेटल सरफेस बढ़ता, मेटल सरफेस पूरा ऑक्यूपाई हो जाएगा, तो फर्दर तो कोई स्ट्रेंथ बढ़ेगा ही नहीं, कोई अलग से एनर्जी डेवलप नहीं होगा, कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं आएगा अलग से, क्योंकि पूरा का पूरा मेटल सरफेस कवर हो जाएगा, तो ये गलत है, सेकेंड नहीं होना चाहिए। क्या ये दोनों सही हो गए, ये भी सही हो गया, अपने आप आंसर हो गया ये पार्ट। लेकिन अगर हम और आगे देखें, थर्ड वाला स्टेटमेंट, चलो एक स्टेटमेंट और देख लेते हैं, अमोनिया इज एड्सॉर्ब मोर देन नाइट्रोजन। भाई जिसका मॉलिक्यूलर मास, जिस गैस का मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होता है, और अगर वहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग वॉन्डिंग हो तो वो गैसेस बड़े आराम से एड्सॉर्ब होंगी, तो अमोनिया बड़े आराम से एड्सॉर्ब होगा। मॉलिक्यूलर मास में तो N2 का ज्यादा है, लेकिन अमोनिया पोलर है, पोलर होता है तो एक अलग ही अट्रैक्शन फोर्स होता है, फिर वो मॉलिक्यूल्स बड़े आराम से किसी सरफेस पे एड्सॉर्ब किए जा सकते हैं, अमोनिया को तो बड़े आराम से लिक्विफाई भी कर सकते हैं। तो सही बात बोला है, थर्ड वाला स्टेटमेंट करेक्ट है। तो क्या पक्का फर्स्ट एंड थर्ड हो जाएगा, हाँ, और चारों ऑप्शन में दो दो करके था, तो तुम्हें लास्ट वाला स्टेटमेंट चेक करने की जरूरत भी नहीं पड़ती। आंसर हो जाएगा हमारे पास कौन सा ऑप्शन, थर्ड, फर्स्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। अभी कुछ दिन पहले एक लड़के का नाम है, मेरे यहाँ पढ़ता है सौम्यजीत दास, सौम्यजीत डे, और उसने सेम क्वेश्चन मुझे व्हाट्सएप किया था कि सर इस वाले क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए, सेम क्वेश्चन, पता नहीं उसने किस बुक से देखा, उसे कॉन्टेक्ट करो, उसने सेम क्वेश्चन मेरे को दिया था, सेम क्वेश्चन। मैंने उसको लॉजिक भी बताया था कि ये इतना लल्लू सा क्वेश्चन कहाँ तुम्हें मिल गया। तो क्या बोला है अपने को, जो एक्स वाई जेड, ये पक्का नीट एनटी वालों ने वहीं से कॉपी किया, एक्स वाई जेड हमारे पास तीन एलिमेंट्स हैं थर्ड पीरियड के, सच दैट द ऑक्साइड ऑफ एक्स इज एसिडिक, पहला वाला एसिडिक है, वाई इज एम्फोटेरिक, एम्फोटेरिक, और जेड इज बेसिक। बेसिक कहाँ मिलता है, जब हम लोग पीरियोडिक टेबल, सस्ता वाला पीरियोडिक टेबल बना लेंगे, तो जब तुम स्टार्टिंग में आते हो तो बेसिक मिलता है, आगे चलते हैं तो हमें एम्फोटेरिक मिल जाता है, याद करो एल्युमिनियम, ये सब जनाबे अली सनक पड़े, ये सब इसी एरिया मिलते हैं, तो आगे जाते हैं तो फिर एम्फोटेरिक मिलता है, और आगे जाते हैं तो एसिडिक मिलने लगते हैं, N2O5, ये सब तो एसिडिक मिल जाते हैं। तो जो पहले होगा वो बेसिक होगा, मतलब कम एटॉमिक नंबर किसका होगा, जेड का, उसके बाद वाई का एटॉमिक नंबर होगा, सबसे ज्यादा होगा एक्स का, क्योंकि बाद वाले होते हैं एसिडिक, ठीक है। जैसे जैसे हम लोग आगे जाते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ता है, तभी तो तुम्हारे पास LiOH कैसा होता है, बेसिक, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड कैसा होता है, एम्फोटेरिक, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड। लेकिन आगे चले जाओ, बोरॉन का हाइड्रोक्साइड ले लो, BOH होल थ्राइस, उसको तो बोरॉन का हाइड्रोक्साइड नहीं बोलते, उसको बोरिक एसिड बोल देते हैं, मतलब आगे की तरफ जाते हैं तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ता है।
तो एटॉमिक नंबर उसी की तरफ बढ़ रहा होगा, सबसे ज्यादा एक्स का, फिर वाई का, फिर जेड का। प्यारा सा आसान सा क्वेश्चन है, तुमने ये क्वेश्चन कई जगहों पे देखा भी होगा, पहले भी देखा होगा। क्वेश्चन नंबर, ये मेरे 11th वाले बच्चों को तो बड़ा मजा आएगा। 12, एलिमेंट्स ए एंड बी डू नॉट फॉर्म सॉलिड बाइकार्बोनेट। ओ मतलब सॉलिड बाइकार्बोनेट नहीं बनाते, कौन कौन नहीं बनाते, लिथियम और बेरिलियम और ये पूरा का पूरा इलाका। एस ब्लॉक में जो हमारे पास एल्कली मेटल्स हैं उसमें लिथियम और एल्कलाइन अर्थ मेटल, तो कोई भी सॉलिड बाइकार्बोनेट बनाते नहीं, सॉलिड फॉर्म में इनका बाइकार्बोनेट एग्जिस्ट नहीं करता। तो अगर हम बात करें, पहला तो ये आंसर ही नहीं हो सकता, बी पार्ट तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ये सॉलिड फॉर्म में बनाते हैं, बेकिंग सोडा तो खाते तक है, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि उन्होंने बोला दोनों ही नहीं बनाते हैं, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। ये भी नहीं हो सकता सी पार्ट भी, लो क्योंकि कैल्शियम और सीजियम, सीजियम बनाता है भाई, लिथियम धोखेबाज को छोड़ करके सारे एल्कली मेटल सॉलिड स्टेट में रहते हैं, तो अपने आप आंसर हो गया फर्स्ट पार्ट। बचा हुआ क्वेश्चन ना भी देखो तब भी। अब उन्होंने आगे क्या बोला है, बट रिएक्ट्स विद नाइट्रोजन टू गिव नाइट्राइट। बड़े आराम से हम जानते हैं कोई भी एल्कली मेटल नहीं करता, लेकिन नाइट्रोजन के साथ लिथियम रिएक्शन कर जाता है, लिथियम का नाइट्राइड बना लेता है। क्यों? क्योंकि लिथियम का रिड्यूसिंग पावर पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है, नाइट्रोजन को देख करके वो अपनी औकात दिखाता है कि तुम मेरे पास आए हो, हम तुम्हें रिड्यूस कर देंगे, वो भी पूरा पूरा ही रिड्यूस करता है। लिथियम बहुत मस्त रिड्यूसिंग एजेंट है, पूरा रिड्यूस कर देता है उसको, लिथियम रिएक्शन कर जाते हैं और उसके साथ डायगोनल रिलेशनशिप भी है लिथियम का मैग्नीशियम के साथ। ठीक, तो आंसर हो जाएगा ये पार्ट। बच्चों बच्चों ने ये क्वेश्चन कर लिया होगा, सबसे आसान क्वेश्चन शायद यही लगा हो। क्वेश्चन नंबर 13, एक बार फिर से आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा उन्होंने ट्विस्ट दिया है, अब लेकिन ऑप्शन जैसा था उसमें फिर ज्यादा कुछ बोला नहीं जा सकता। द स्ट्रक्चर ऑफ SF6 इज ऑक्टाहेड्रल, नॉनसेंस का डेटा दिया है, कोई जरूरत नहीं, SF6 इज ऑक्टाहेड्रल तो हम क्या करें। व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ SF4, दोनों के स्ट्रक्चर में कोई रिलेशन थोड़ी ना है, वो कहाँ SP3D2 हाइब्रिडाइजेशन का है, और SF4 कितना है, 4σ1 लोन पेयर, लोग रट के भी रखते हैं SP3D हाइब्रिडाइजेशन का है ये 4σ1 लोन पेयर, सीस और ज्योमेट्री देता है, लेकिन उन्होंने बोला है ज्योमेट्री बताना है, स्ट्रक्चर बताना है इंक्लूडिंग लोन पेयर। तो हमें पता है 4 और 1 5 5 से हम बनाते हैं हमेशा ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल, और इसके पास एक लोन पेयर है, ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल में हमेशा जब भी लोन पेयर रखना होता है तो कहाँ रखते हैं, इक्विटोरियल पोजीशन में। तो अगर तुम लोन पेयर के साथ देखोगे तो ये कैसा है, लोन पेयर के साथ देखेंगे तब तो ये है ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल, आंसर ए पार्ट। क्वेश्चन नंबर 14, कास्ट आयरन। क्वेश्चन कहने के लिए तो बहुत डेंजरस सा क्वेश्चन है, लेकिन ऑप्शन इतना गंदा है ना, मेन एग्जाम में भी ऐसा ही ऑप्शन था, ऑप्शन इतना गंदा है कि तुम इस क्वेश्चन को छोड़ नहीं सकते। क्या है, कास्ट आयरन इज यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ, एक चीज ध्यान रखें, सबसे सड़ा सा अगर कोई आयरन का फॉर्म होता है तो पिग आयरन, पिग आयरन से ही और सारे आयरन के फॉर्म बनाए जाते हैं इसको और प्यूरिफाई करके, तो पिग आयरन से बनाते हैं कास्ट आयरन को। उल्टा ऐसा नहीं कि कास्ट आयरन को सड़ा करके पिग आयरन बनाएंगे, कास्ट आयरन से पिग आयरन नहीं बनाते, हमेशा आयरन का अच्छा फॉर्म बनाते हैं बेकार से। तो ये चीज ध्यान रख लो, कास्ट आयरन से कभी हम प्रोडक्शन नहीं करेंगे पिग आयरन का, यहाँ भी पिग आयरन है, पिग 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 को हटा दो, आंसर एक पार्ट, पिग को खा जाओ, बचा हुआ जो है वो हो जाएगा आंसर, आंसर हो जाएगा फर्स्ट पार्ट, रॉट आयरन और स्टील को बनाते हैं कास्ट आयरन से, जी हाँ। अब ये कोई डेंजरस सा क्वेश्चन नहीं था, बस तुम्हें थोड़ा सा ज्ञान के ऊपर था कि पिग आयरन सबसे सड़ा होता है, सड़ा फॉर्म वाले आयरन को कहाँ से हम किसी से बनाएंगे, हम क्यों बनाना चाहेंगे सबसे बेकार फॉर्म ऑफ आयरन को। ठीक, तो पिग आयरन से और सबको बनाते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग, अभी 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 तुम लोगों का टेस्ट हुआ था, टेस्ट नंबर 2 फुल टेस्ट, मैंने सेम तरीके का क्वेश्चन दिया था ना, कौन है जो कोई आइसोमेरिज्म नहीं शो कर सकता, वही है ये क्वेश्चन, ये तो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, ज्योमेट्रिकल तो नहीं शो करते, ये सिस ट्रांस शो कर देंगे और ये भी सिस प्लेटिन और ट्रांस प्लेटिन ये दे जाएंगे, लेकिन पहला वाला देखो Ni2+ में है, ये D8 का कॉन्फिग्रेशन है और अमोनिया स्ट्रॉन्ग लिगेंड होते हैं, D8 को D4 में कर सकते हैं, और उसके बाद अगर D8 D4 में हो गया तो D8 D4 में हो गया तो DSP2 हाइब्रिडाइजेशन लेकर के, एक तो तुम इसको स्क्वायर प्लेनर करा सकते हो, हाँ स्क्वायर प्लेनर करा सकते हैं, लेकिन ये स्क्वायर प्लेनर होता नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे वीक फील्ड लिगेंड भी तो है, दो दो Cl, और वीक फील्ड लिगेंड होने की वजह से यही चीज लोगों को डाउट होता है कि अमोनिया भी है Cl भी है तो क्या हो सकता था। एक तो चीज तुम यहाँ पे पक्का कर सकते हो, B D और C तो पक्का आइसोमेरिज्म शो करेगा, तो अगर ये स्क्वायर प्लेनर, अगर तुमने इसको बना दिया DSP2, अगर इसको स्क्वायर प्लेनर बना दिया तो तब तो ये सिस ट्रांस शो कर जाएगा, तो ये पक्का जो जो Cl है वो तो वीक फील्ड लिगेंड है शायद उसकी वजह से, या सारे अमोनिया तो है नहीं, सारे स्ट्रॉन्ग तो है नहीं, तो ये शायद अच्छे से पेयरिंग ना कर पाया हो, तो ये D8 में 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन रह करके रहता है sp3 होगा तो कैसे हो जाएंगे टेट्राहेड्रल, और टेट्राहेड्रल में क्या चारों अलग है, नहीं, और 2 अमोनिया और 2 Cl लगा दोगे, कभी ये GI तो शो ही नहीं करते,
टेट्राहेड्रल वाले कॉम्प्लेक्सेस नहीं शो करते, तो ये नहीं शो करेंगे, पहला वाला ए। पहली बार कंपटीशन एग्जाम में टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स को आइसोमेरिज्म से रिलेट करके दिया है, बड़ी खुशी वाली बात है। क्वेश्चन नंबर 16, आसान सा क्वेश्चन है, द स्ट्रक्चर ऑफ दिस एंड दिस। फर्स्ट XCF5-, अभी मैंने 11th वालों का टेस्ट लिया था, सेम क्वेश्चन मैंने दिया है, XCF5-1, शायद उन लोगों को याद भी आ रहा हो, 5σ1-2 लोन पेयर, 5+2=7 होता है, उसके लिए हम लोग क्या बनाते हैं, पेंटागनल बाईपिरामिडल। पेंटागनल बाईपिरामिडल में लोन पेयर रखना हो तो कहाँ रखते हैं, प्लेन में नहीं रखते हैं, क्योंकि 72 एंगल हो जाता है, उसकी वजह से रिपल्सन बहुत मिलता है, कहाँ रखते हैं, प्लेन के ऊपर और प्लेन के नीचे, तो ये हो जाता है पेंटागनल प्लेनर। और X3O2 ध्यान से देखो तो सारे जेनॉन के पास 8 होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन यूज कर लेगा और 2 इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन यूज कर लेंगे, सारे इलेक्ट्रॉन यूज हो जाएंगे, 5σ0 लोन पेयर के साथ ट्रायंगुलर बाईपिरामिडल हो जाएगा, आंसर ए पार्ट। ज्यादा डिस्कशन के लिए तो ये क्वेश्चन बना ही नहीं है। अगला क्वेश्चन, मेरे जमाने में भी एक सेम तरीके से, मेरे जमाने में नहीं, शायद 2014 में आया था, एक साल पहले ऐसा ही क्वेश्चन था, जेई में आया हुआ, पहले से ये रिपीट हो चुका है क्वेश्चन समझ लो। बस मेरे जमाने में बस इतना पूछा गया था, लंदन फोर्स, जो लंदन डिस्पर्जन फोर्स है या इसी को वंडरवाल फोर्स बोल लो तुम, ये कैसे डिपेंड करता है, स्टेट्स ऑफ मैटर खोलो एनसीईआरटी का, वहां पे जाकर के सेम ऐसे ही लिखा होगा। तो ये जो होता है ना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r⁶, कौन, लंदन फोर्स। और आयन आयन, ये तो तुम फिजिक्स में पढ़ते हो कि अगर हमारे पास दो चार्जेस हो, आयन आयन मतलब चार्जेस, दो चार्जेस हो तो उनके लिए अट्रैक्शन फोर्स कैसे लिख देते हैं, 1/4πε0 Q1 Q2 r2, तो जो यहाँ पे अट्रैक्शन फोर्स होता है वो 1/r2, तो इसके लिए होता है 1/r2, तो फर्स्ट का हो जाता है 2, लंदन फोर्स के लिए क्या हो जाता है, थर्ड का हो जाता है 4 नंबर, वो 1/r⁶ के रिलेट करता है। और डाइपोल 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 डाइपोल, ये तुम्हें फिजिक्स के कोई फॉर्मूले ध्यान आना चाहिए, जहां पे डाइपोल, एक डाइपोल की वजह से दूसरे पे कौन सा कितना अट्रैक्शन फोर्स लगता है उसका फॉर्मूला देखा होगा, तो वहां पे आता है 1/r³, वो रिलेट कराता है 1/r³ से, तो सेकेंड का होगा थर्ड, सेकेंड का होगा थर्ड, और थर्ड का होगा फोर्थ, थर्ड का होगा फोर्थ, फर्स्ट का होगा सेकेंड, फर्स्ट का होगा सेकेंड, फर्स्ट का होगा फर्स्ट होगा क्या, नहीं, फर्स्ट का होगा सेकेंड, आंसर हो जाएगा बी, सी पार्ट, आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, ध्यान से देख लो, आयन आयन का क्या होगा, सेकेंड वाला, डाइपोल डाइपोल का क्या होगा, थर्ड वाला, और लंदन डिस्पर्जन फोर्स क्या होता है, 1/r⁶, 1/r⁶। ठीक है, तो फर्स्ट का सेकेंड, सेकेंड का थर्ड, थर्ड का फोर्थ, आंसर हो जाएगा सी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 18, मतलब क्वेश्चन सजाने के हिसाब से तो पूरा क्रेडिट देना चाहिए एनटी वालों को, क्या क्वेश्चन पूछा है उन्होंने, क्वेश्चन लेकिन है बहुत अच्छा सा, क्या करें, आओ देख लेते हैं। एड्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रो ऑफ 3 सैंपल्स ABC इज गिवेन। क्वेश्चन देखने से कुछ लोगों को डर लग जाएगा, शायद वो भाग जाए, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, थोड़ा सा तुम्हें ग्राफ देखने को आना चाहिए। जो ए है वो ये वेवलेंथ एब्जॉर्व कर रहा है, तो कम वेवलेंथ होगा, जैसे जैसे आगे जा रहे हैं तो वेवलेंथ बढ़ता जा रहा है। सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसने एब्जॉर्व किया, सी ने, सबसे ज्यादा वेवलेंथ एब्जॉर्व किया क्या करने के लिए, कलर्ड होने के लिए। जब भी कभी स्पेक्ट्रम की बात होती है तो नेट में हम लोग चाहते हैं वो कंपाउंड कलर्ड जैसा हो, तो जब उसको कलर्ड होना हुआ तो उसने सबसे कम एनर्जी लिया, ज्यादा वेवलेंथ लिया सी ने, सी ने ज्यादा वेवलेंथ लिया मतलब उसने सबसे कम एनर्जी एब्जॉर्व किया। सबसे कम एनर्जी क्यों लिया, क्योंकि उसमें वीक फील्ड लिगेंड रहे होंगे, पहले से ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहे होंगे, तो हमें ज्यादा एनर्जी नहीं चाहिए होगा ट्रांजिशन कराने के लिए या फिर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कराने के लिए। तो जब भी वीक फील्ड लिगेंड होते हैं तो हमें कम एनर्जी चाहिए होता है, तो वीक फील्ड लिगेंड कहाँ है, ये, तो जो हमारे पास वीक फील्ड लिगेंड होगा तो ये तो हो जाएगा पक्का सी, पहला किसको रिलेट कर रहा होगा, सी को। और अगर तुम चार ऑप्शन देखते यहाँ पे, मतलब सेकेंड वाला किसको रिलेट करेगा, सी को, सेकेंड वाला रिलेट कर जाएगा सी को। अब हमारे पास क्या है, अब हमारे पास है एक तो अमोनिया है और एक है NCS, N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड S, इसके पास माइनस होता है। अब देखो दोनों ही लोन पेयर दे रहे होंगे, हाँ कौन अच्छा होगा, पक्का अमोनिया अच्छा होना चाहिए, क्यों, क्योंकि इधर इतने डबल बॉन्ड है, ये खींच भी तो रहे होंगे, तो दोनों ही अच्छे होते हैं एक्चुअली में, NCS और अमोनिया दोनों ही अच्छे लिगेंड होते हैं, लेकिन जो हमारे पास अमोनिया है वो थोड़ा सा अच्छा है, तो उसको तो ज्यादा एनर्जी चाहिए होगा, इसीलिए लेमडा वन, सबसे कम वेवलेंथ सबसे ज्यादा एनर्जी, वो रिलेट करेगा फर्स्ट वाले को, फर्स्ट वाला रिलेट करेगा कम वेवलेंथ ज्यादा एनर्जी, इसको ज्यादा एनर्जी चाहिए होगा कलर शो कराने के लिए। और NCS वो हो जाएगा अपने आप, यहाँ पे देखो क्वेश्चन टाइपिंग में मिस्टेक कर दिया गया है, क्वेश्चन मैं बताता हूँ, टाइपिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम कर दिया यहाँ पे शायद क्वेश्चन, लेकिन है बेहतरीन सा, ऐसे क्वेश्चन नॉर्मली देखने को मिलते नहीं। अच्छा ये क्वेश्चन जहां पे है वहीं पे ही इनकरेक्ट जैसा है, तो हमारे पास
अगर मैं आंसर की बात करूं तो हमारे पास हो जाएगा सेकेंड का, मैं बस आंसर दे देता हूं, चार ऑप्शन यहां पे जैसा बना है वैसा कोई भी ऑप्शन इधर से हो नहीं पाएगा शायद तुम्हें, क्योंकि यहां पर देखो लेमडा ए और लेमडा ई करके लिख दिया ना, तो फर्स्ट वाला किसको रिलेट करेगा, लेमडा ए को, थर्ड वाले को कर लेना इसको सी, थर्ड वाला रिलेट कर जाएगा लेमडा सी को, आंसर हो जाएगा सी पार्ट। ठीक है, टाइपिंग में हो जाता है प्रॉब्लम। चले, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा सा था, बस तुम्हें ऐसे क्वेश्चन को तुम ध्यान से कैसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं जिसने जिसने कम वेवलेंथ एब्जॉर्ब किया उसने ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब किया, जिसने ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब किया वो कौन सा कॉम्प्लेक्स होगा, जिसमें जो लिगेंड हो वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड, जितना स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा उसको उतना ही ज्यादा एनर्जी चाहिए होगा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कराने के लिए। क्यों भाई? क्योंकि स्ट्रॉन्ग लिगेंड होते हैं तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं हो पाता कंपाउंड में, तो वो कलर नहीं हो पाते, तो खास करके अगर हमारे पास स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो तो ज्यादा एनर्जी कम वेवलेंथ चाहिए होता है, इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 19, ओफो, सोल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का तुम सीट निकालो अगर तुम्हारे पास लोकस एकेडमी का है तो, उसमें जा करके देखो, तुम्हें एक क्वेश्चन मैंने कराया होगा अंडा वाला, एग वाला था कि उसको तुमने कंसंट्रेटेड NaCl के सोल्यूशन में डाल दिया तो वो थोड़ा श्रिंक कर गया, तो वो क्या है, ये तो ऑस्मोसिस का एग्जाम्पल है। तुमने बोला है देखो मैंगो ले लो चूस के खत्म कर दो, नहीं, खुद नहीं चूसना है, उसने बोला कि हम उसको एक ऐसी जगह डाल दिए जहां पे कंसंट्रेटेड सॉल्ट पड़ा है, मान लो NaCl पड़ा है बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड, अब तुमने पानी इसमें डाल दिया मैंगो, ए मैंगो तो येलो कलर का होगा, चलो मैंगो हम बना देते हैं, बनेगा हमसे पता नहीं, ठीक चलो सेब जैसा लग रहा होगा। चले, तो इस मैंगो को जैसे तुम वहां डालोगे मैंगो में होगा वाटर, या मैंगो में तो वाटर ज्यादा होगा, हाँ लेकिन ये तो बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड है, उन्होंने बोला है कंसंट्रेटेड सॉल्ट सोल्यूशन, तो ये बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड है, हाँ तो क्या होता है जहां ज्यादा सॉल्वेंट है यहाँ ज्यादा पानी है तो वो कहाँ चला जाएगा, सोल्यूशन में, तो जैसे जैसे पानी सोल्यूशन में चले जाएंगे यही होता है, ज्यादा सॉल्वेंट से कम सॉल्वेंट की तरफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स का मूवमेंट, उसी को क्या बोलते हैं ऑस्मोसिस, कंफ्यूज हो गए होंगे, ज्यादा सॉल्वेंट से कम सॉल्वेंट की तरफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स का मूवमेंट वही होता है ऑस्मोसिस, तो ये ऑस्मोसिस है 19। ठीक है, 20 नंबर, ओहो, थर्मोकेमिस्ट्री थर्मोडायनेमिक्स जो मैं सबसे पहले बताता हूँ और वहां पे एग्जाम में सबसे पहले क्वेश्चन भी आता है, शिफ्ट वन में भी क्वेश्चन आया था सेम फॉर्मूले के ऊपर, शिफ्ट टू में भी क्वेश्चन आया है सेम फॉर्मूले के ऊपर, इससे ज्यादा खुशी और कहाँ मिल सकती है कि जब हमारे पास सेम ही फॉर्मूले हों और सेम ही क्वेश्चन दो दो में आ जाए। क्या करना है, हीट ऑफ कम्बसन ऑफ एथेनॉल गिवेन है कितना, 327 कैलोरी, किलो कैलोरी, ठीक है, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ कम्बसन ऑफ एथेनॉल कितना, -327 किलो कैलोरी। हमसे क्या पूछ रहा है, हाउ मच हीट इज इवॉल्व इन कैलोरी इन कंबसन एट कांस्टेंट वॉल्यूम, वो हमसे चाहते हैं कि जब हमारे पास कांस्टेंट वॉल्यूम पे अगर हम कंबसन कर रहे हो तो कितना हीट लिबरेट होगा, ये कब दिया है, कांस्टेंट प्रेशर पे, तो वो डेल्टा एच दिया है और हमसे क्या पूछ रहा है डेल्टा ई, या इसी को कुछ लोग बोल देते हैं डेल्टा यू, ये जानना चाहता है, तो सिंपल उसका कंबसन कराओ एथेनॉल का, कंबसन की इक्वेशन मैं इधर लिख देता हूँ, एथेनॉल क्या है C2H5OH, तो उसको जला दो ऑक्सीजन के साथ, कहाँ चला जाएगा CO2 में, कितने CO2, दो, और वाटर लिक्विड में, वाटर लिक्विड में ये लिखना पड़ेगा क्योंकि कौन लिक्विड कौन गैस, और 6 हाइड्रोजन है तो इधर 3 कर देना होगा, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितने होंगे 4 और 3 5, एक यहाँ 4 और 3 5 थोड़ी ना होता है, 4 और 3 हो गए 7, तो एक यहाँ पे है तो 6 होगा तो 3 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, चलें, तो अब अपने पास यहाँ से डेल्टा एन निकाल लो, ये भी गैस है, और एथेनॉल कैसा होता है, ये तो दारू है सब जानते हैं, तो ये तो लिक्विड होता है, तो डेल्टा एन कितना मिल जाएगा, थोड़ा सा गंदा है, प्रोडक्ट में गैस है 2, रिएक्टेंट में गैस है 3, तो डेल्टा एन हो जाएगा -1, ओफो, तो बस आओ डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन आर टी प्यार से रख दो, और हमसे वो चाहते हैं आंसर कैलोरी में, ठीक है हम कैलोरी में बता देंगे, आंसर तुम्हारे सामने लिखा भी है, डेल्टा एच कितना -327 किलो कैलोरी है, उसको कैलोरी में कन्वर्ट करो 1000 से मल्टीप्लाई करके, डेल्टा ई चाहिए प्लस डेल्टा एन आर टी, डेल्टा एन कितना है -1, आर की वैल्यू कितना होगी हमें लिखना है कैलोरी में, तो 2 लिखेंगे अप्रोक्सीमेटली, और टेम्परेचर कितना, टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस, मतलब इसको केल्विन में कन्वर्ट करोगे तो 300 हो जाएगा, और बस 2 ही लिखना है, कैलोरी में अपने आप हो गया होगा, इसी को कर लो सॉल्व, डेल्टा ई तुम्हें इतना मिल जाएगा, देखने को मिल जाएगा इतना, हाँ मिल जाएगा तुम्हें, तुम्हें यही पूछा गया है, हाँ यही पूछा गया है तुमसे। ठीक है, और ये तुम निकालोगे, उन्होंने शायद मैग्नीट्यूड में पूछेंगे तो उस बाहर शायद माइनस भी लगा हो, तो माइनस भी लगा लेना। ठीक है, चलिए, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है, नेट में अगर तुम सॉल्व करोगे तो माइनस में मिलेगा, नेट में क्यों, क्योंकि इधर देखो माइनस में इतना ज्यादा बड़ा है, तो ये नेट में शायद माइनस में। चलो क्वेश्चन नंबर 20 हो गया, क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21,
फॉर द सेल रिएक्शन, ये सेल दिया है डिस्प्रोपोर्शनेशन का, हमसे पूछ रहा है ln k, बता दो क्या होगा, समथिंग इनटू 10 टू द पावर माइनस 1 में, वेयर k इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, गिवन दैट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर प्लस एंड कॉपर 2 प्लस दिया गया है। अच्छा भाई, पहले तो हमें इसका मतलब ln k मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात करें तो हम इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन लगा दें जहां पे e को 0 ले लेते हैं, a नॉट ऑफ द सेल माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाय n log ऑफ q। अब इक्विलिब्रियम है तो q की जगह पे क्या लिख देंगे, k, तो यहां से a नॉट ऑफ द सेल हो जाएगा 0.0 RT by F। ओ, इन्होंने कुछ नया चीज बोला है, RT by F को कितना यूज करना है अपने को, 0.025, तो हमें वो वाला फॉर्मूला लगा देना चाहिए, यहाँ पे ये नहीं लिखना चाहिए था, जो इन जनरल RT के टर्म्स में होता है, E equals to E naught of the cell minus RT by NF ln of Q, ln of Q, ठीक है, तो बस यहाँ पे E की वैल्यू जीरो हो जाएगी, E naught of the cell ऐसे लिख लेते हैं माइनस RT by NF NF, और हम इक्विलिब्रियम मान लेते हैं तो Q की जगह पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आ जाएगा। अब E नॉट ऑफ द सेल इक्वल्स टू RT by NF, N की वैल्यू कितनी होगी सेल के लिए, देख लो प्लस वन से कहाँ जा रहा है, जीरो में, तो एक का चेंज, टोटल दो कॉपर है तो हमें दो के लिए लिखना पड़ेगा 2F ln of, और ये रिडॉक्स नहीं है, नहीं तो कुछ लोग लग रहा होगा सर यहाँ पे 2 है तो क्या 2 मान लेंगे, हाँ यहाँ पे जब हमारे पास रिएक्शन होती है खास करके इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में तो हमें नेट में देखना पड़ता है, कॉपर प्लस से जीरो में गया, हाँ लेकिन दो कॉपर प्लस से जीरो में गया तो दो इलेक्ट्रॉन कैंसिल हुए होंगे तो वो दो लिख लेंगे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस आर टी बाई एफ की वैल्यू दिया गया है रख दो, और ई नॉट ऑफ द सेल कैसे निकालोगे, सेल का ई नॉट कैसे निकालते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, कैथोड कौन होगा, कॉपर प्लस से कॉपर जीरो में, तो ये होगा कैथोड, तो वो कितना है 0.52 माइनस एनोड, एनोड कौन होगा, एनोड होगा कॉपर 2 प्लस वाला, ठीक है, जब वो ऑक्सीडाइज हुआ कॉपर प्लस से कॉपर 2 प्लस में ऑक्सीडाइज हुआ ना, तो एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल मतलब कॉपर 2 प्लस से कॉपर प्लस 1 में लेकर चले जाएंगे, तो कितना हो जाएगा 0.16, ये कितना आ जाएगा सॉल्व करने पे, ई नॉट ऑफ द सेल अगर तुम निकालोगे तो तुम्हें मिल जाएगा ई नॉट ऑफ द सेल 0.36, सॉल्व कर लो 0.36 आ जाएगा लगभग, और बस यहीं पे वैल्यू रख दो, इसकी वैल्यू मैं थोड़ा ऊपर या थोड़ा नीचे रख देता हूँ, और थोड़ा सा नीचे, क्या हो जाएगा अपने पास 0.36 इक्वल्स टू आर टी की, आर टी बाई एफ की वैल्यू रख देते हैं 0.025 जो हमें दिया गया है, डिवाइडेड बाई 2 एल एन ऑफ के, तो यहाँ से आ जाएगा एल एन के, सॉल्व कर लो 2 इंटू 0.36 डिवाइडेड बाई, इसको क्या मैं ऐसे लिख दूँ 25 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, दिक्कत तो नहीं होगा, कोई दिक्कत होने नहीं चाहिए, ऊपर हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 100 और ये 10 टू द पावर माइनस 3, तो नेट में सॉल्व करो ये नेट में आ जाएगा 144 इंटू 10 टू द पावर माइनस 1 जैसा, और सॉल्व कर लोगे तो आंसर आ जाएगा 154, क्यों, क्योंकि वो हमसे बोला था ना कि हमें केवल क्या वैल्यू बताना है, ln k तो बताना है लेकिन 10 टू द पावर माइनस 1 अलग करके, तो तुम्हें बचेगा 144, 21 का आंसर हो गया, जी हाँ 22 नंबर क्वेश्चन, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन जैसा है क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस थोड़े से लेंदी हो जाते हैं, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा तुम्हें, क्या बोला है अपने को, हमारे पास बोला गया है इन ए सैचुरेटेड ए साइक्लिक कंपाउंड, सैचुरेटेड ए साइक्लिक कंपाउंड, हाँ द मास रेशियो ऑफ कार्बन हाइड्रोजन इज 4:1, कार्बन ऑक्सीजन इज 3:4, फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू रिएक्ट 2 मोल्स ऑफ द कंपाउंड टू गिव CO2 एंड वाटर। अच्छा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड, कितना ऑक्सीजन लगेगा टू रिएक्ट 2 मोल्स ऑफ दैट कंपाउंड, वो कंपाउंड के 2 मोल को लेकर जाएं, उसका कंबसन कराएं, उसको CO2 और वाटर में भेजें तो कितना मोल लगेगा ऑक्सीजन का। अच्छा, उसके लिए हमें यह देखना पड़ेगा कि वो फॉर्मूला वो कंपाउंड है क्या, ए साइक्लिक कंपाउंड है, सेचुरेटेड है, मतलब उसके पास डबल डबल बॉन्ड रहा होगा। चलो, तो कार्बन हाइड्रोजन का रेशियो कितना दिया गया है 4:1, ये मास रेशियो होता है, कार्बन ऑक्सीजन का कितना दिया गया है 3:4। एक तो तरीका होता है कि तुम डायरेक्ट मास रेशियो से मोल रेशियो बनाओ और उसके बाद एक सिंपलेस्ट फॉर्मूला बना लो थोड़ा सा अलग तरीके से, और एक तरीका होता है कि तुम इसको ऐसे लिखो कि तुम्हें कुछ सेम सेम जैसा मिल जाए, अगर हम इधर 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा, या 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 12:3, इधर भी 3 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा, इधर हम 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा 12:16। क्यों ऐसा कर रहे हैं, लिख सकते हैं ना 4:1 को इतना लिख सकते हैं 12:3, और 3:4 को इतना लिख सकते हैं हम लोग 12:16 लिख सकते हैं क्या, हाँ। अब यहाँ से तुम्हें ये पता चल जाएगा, देखो दोनों में कार्बन सेम हो गए, हाँ, तो कार्बन का मान लो मास है 12, हाइड्रोजन का मास कितना मान लो 3,
और ऑक्सीजन का मास कितना मान लो 16। ये क्या रियल में है? नहीं नहीं इसी प्रोपोर्शन में होगा कि शायद वो 12 है तो शायद वो 24 हो, हाइड्रोजन 3 लिखा है तो मैंने वो तक शायद 6 हो। ये मास आया मास, तो मोल कैसे बना लेंगे? वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट से, तो मोल निकालो तो हाइड्रोजन तो यही हो जाएगा 3 क्योंकि वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट। कार्बन के लिए वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट से इसका मोल हो जाएगा 1, ऑक्सीजन के लिए वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट से मोल हो जाएगा 1। इसका मतलब एक कार्बन है, 3 हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। ये सिंपलेस्ट फॉर्मूला हो गया, सिंपलेस्ट फॉर्मूला हो गया। जी हाँ, उसने बोला है हम उस कंपाउंड का 2 मोल लेकर जाएंगे, तो इसका 2 मोल लेकर के चलो तो तुम्हारे पास फॉर्मूला ऐसे बन जाएगा C2H6O2। मतलब जो तुमने सिंपलेस्ट फॉर्मूला बनाया ना उसका 2 मोल जैसा लेकर चलो तो नेट में तुम्हारे पास सिंपलेस्ट फॉर्मूले में ये बन जाएगा। मतलब अगर तुम एक मिनट, ये 2 मोल की बात नहीं है कि तुम इसका 2 मोल लेकर जाओगे तो ये फॉर्मूला हो जाएगा। तुम्हारे पास सिंपलेस्ट मिला ये CH3O। अब इससे तुम कभी भी अनसेचुरेशन नहीं क्रिएट करा सकते, इससे कोई तुम्हारे पास कंपाउंड नहीं बनेगा जहां पे कोई सेचुरेटेड हो, जहां पे डबल बॉन्ड हो, ए साइक्लिक हो। तो उसके लिए कम से कम तुम्हें 2 कार्बन तो रखना ही पड़ेगा, तो उसके लिए तुम डबल करो C2H6O2। अब यहाँ पे इसका डी यू चेक करोगे तो इसके पास पाई बॉन्ड आना शुरू हो जाएंगे। डी यू चेक करो, इसका डी यू हो जाएगा 1, इसके पास पक्का एक पाई बॉन्ड होगा। हो सकता है ये कोई एसिड हो या कुछ भी होगा, लेकिन ये अब यहाँ पे सेचुरेटेड होगा, अब यहाँ पे पाई बॉन्ड होगा। अब इसका जाकर के कंबसन करा दो C2H6O2। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, शायद तुम्हें समझ में थोड़ा सा कम आए, एक दो बार फिर से देखोगे तो तुम्हें शायद अच्छे से समझ में आ जाए। इसका कंबसन करा दो, चलो भाई कंबसन कराएं। तो कंबसन कराने में कहाँ चले जाएंगे? 2 CO2 और 6 हाइड्रोजन है तो 3 वाटर लिक्विड में चले जाएंगे। ऑक्सीजन कितना लग जाएगा? यहाँ पे 4 ऑक्सीजन, यहाँ पे 3, तो टोटल 7, 7 में से 2 यहाँ हो गए तो 5 लगेगा। 2 यहाँ हो गए तो हमें और कितना चाहिए? 5, 5 चाहिए, तो मतलब हमें इसके सामने कितना लिखना पड़ेगा? 2.5। तो 2.5 मोल लग जाएगा एक मोल के लिए। इसके एक मोल का कंप्लीट कंबसन कराओगे तो कितना मोल ऑक्सीजन लगेगा? 2.5। लेकिन उसने बोला कि हम 2 मोल लेकर जाएंगे, 2 मोल ऑफ दैट कंपाउंड, तो 2 मोल के लिए कितना लग जाएगा हमारे पास? 5, 5 मोल ऑक्सीजन गैस लग जाएगा, वही 5 हो जाएगा आंसर। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन था एक हिसाब से, कंपटीशन एग्जाम के लिए, जेई के लिए तो ठीक है, ऐसे क्वेश्चन होने चाहिए, लेकिन अच्छा क्वेश्चन था ये। अगला क्वेश्चन फिर से हमारे पास एटॉमिक स्ट्रक्चर से है और खास करके वर्क फंक्शन के ऊपर क्वेश्चन आ रहे हैं, देख लेते हैं। वर्क फंक्शन का थोड़ा सा हम लोग रूल भी सीख लेते हैं, बड़े आराम से कर पाएंगे। क्वेश्चन क्या है? ए मेटल हैविंग वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन क्या होता है? घूस, तुम्हें इतना एनर्जी देना पड़ेगा तभी जाकर के वो कुछ तुम्हें देगा। तो आइंस्टीन इक्वेशन एक होती है E=E₀ ऑफ द सेल प्लस, सुना होगा कभी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो एजेक्ट होगा, यही होता है हमारे पास फॉर्मूला। ये जो E₀ लिखा है वही हमारे पास वर्क फंक्शन, जूल में दिया है तो वही ठीक है। इतना एनर्जी तुम्हें देना पड़ता है, ठीक है, और ये कौन सी है? ये वो एनर्जी जो वो लेकर जाएगा, तो बोलते हैं उसको क्या लिख सकते हैं? HC/λ। E₀ तुम्हें दिया गया है, हाँ कितना? ये वाली वैल्यू E₀ प्लस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन, और अल्टीमेटली आगे जाकर के हमसे यही पूछ रहा है, देन मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन इज। तो बस तुम्हें E₀ की वैल्यू दिया गया है, H तुम जानते हो, यहाँ पे दिया भी गया है H की वैल्यू, C की भी वैल्यू दिया गया है, लेमडा भी दिया गया है नैनोमीटर में, उसको मीटर में कन्वर्ट कर लेना और यहाँ पे रख देना, पूरा निकाल के सॉल्व कर लो। कैसे रखना है? ये तो जूल में ही है, इसे जूल में ही रख देना, ठीक है। H की वैल्यू जूल में ही रखना है, हाँ। C भी ऐसे ही रखना है, हाँ। लेकिन जो तुम ये रखना, ये नैनोमीटर में है ना, तो इसको डायरेक्ट नैनोमीटर में नहीं रख देना, तुम्हें इसको मीटर में कन्वर्ट करना होगा, तब जाकर के रखना होगा। कितना मीटर में कन्वर्ट करोगे तो ये कितना हो जाएगा? 300 × 10⁻¹, इतना मीटर। ये उठा करके वैल्यू रख देना, सॉल्व करोगे, थोड़ा सा लेंदी कैलकुलेशन है, वो मैं नहीं करने वाला, बहुत बड़ा हो जाएगा वीडियो। सॉल्व करोगे लगभग 222 आ जाएगा तुम्हारे पास, × 10⁻²। ये वाला फैक्टर अलग करना है ना, तो ये मिलेगा तुम्हें, ये 222, इतना तुम्हारे पास आंसर हो जाएगा। इंटीजर टाइप जैसा था, या ऐसे बोलो कि तुम्हारे पास डेसिमल टाइप के क्वेश्चंस थे, तुम्हें ये वैल्यू निकाल के बोलना था। लास्ट क्वेश्चन 24 क्वेश्चन ही अपने पास मिल पाए, तो उसी का ही हम लोग सोल्यूशन देख रहे हैं। लास्ट, लेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स XYZ। बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन क्या बोला जाए, यहाँ पे क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना? 6। मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर कितना? 7। यहाँ पे तुम्हें आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर, यहाँ उन्होंने थोड़ा सा डराया है लेकिन कोई बात नहीं है, दो आयरन दो पोटेशियम है तो वो 2 हो जाएगा। आयरन का x मान लो 4 × −2 = 0। आयरन का ग्रुप नंबर होता है 6, अगर तुम जाके देखोगे तो वो अप टू 6 ऑक्सीडेशन नंबर शो कर सकता है। ये बहुत रेयर कंपाउंड है जो एग्जिस्ट नॉर्मली नहीं करता, लेकिन अगर तुम इसमें ऑक्सीडेशन नंबर देखोगे तो 6 आ जाएगा। बच्चों जैसा दिमाग लगाओ, ज्यादा दिमाग लगाओगे तो पढ़ोगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 6। बस टोटल ऐड कर लो, वहां से यही जानना चाहते हैं, कैलकुलेट x + y + z, आंसर हो जाएगा 19।
फर्स्ट वाले पेपर के रिस्पेक्ट में ये पेपर थोड़ा सा अच्छा था, शिफ्ट वन और शिफ्ट टू। शिफ्ट वन में तुम्हें ज्यादा नंबर लाना पड़ेगा, शिफ्ट टू में कम नंबर लाओगे तब भी तुम्हारा रैंक अच्छा होगा। और जो थर्ड को एग्जाम हुआ है वो बहुत बेहतरीन है, उसके सोल्यूशन के साथ मिलेंगे आगे तुम्हें। चले ये सीखते रहें, पढ़ते रहें, तुम्हें लोगों के लिए ये सोल्यूशन बनाया जा रहा है। ठीक है, ठीक, अच्छा लगे तो क्या जो मन करे वो करो। चलो आज के लिए इतना रखते हैं, बाय।